पास जा उन्हें सकते, उनके उनकी अम्मा भेजी थी क्या पैसा? दोनों दोनों से नरेंद्र हमारे मोदी की देश अम्मा में पैसा ऐसे देके हैं, भेजी थी क्या? क्योंकि हमारे उन्हें यहाँ पास जा सकते, उनके उनकी अम्मा बस भेजी थी क्या पैसा? दोनों दोनों से नरेंद्र हमारे यहाँ मोदी की देश में अम्मा ऐसे पैसा हैं, देके भेजी थी क्योंकि क्या? हमारे यहाँ थूक लगा के नोट गिनने नरेंद्र वाले बदतमीज कहीं के औकात में रहो, बता देता हूँ। थूक लगा के नोट गिनने वाले बदतमीज कहीं के औकात में रहो, बता देता हूँ। जिसको सैंपल साइज का मतलब नहीं पता आपको है, क्यों हम प्रॉब्लम है इसलिए इससे? बोल रहे हैं कि आपको क्यों शायद प्रॉब्लम है? शायद आपको डिबेट में समझ आ जाए, कुछ सीख के आप जाए कि सैंपल नहीं नहीं साइज नहीं क्या नहीं हमें होता आपको है। नहीं समझना है। ये नहीं, देश हम को आपको समझाते 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 भेजेंगे, कहां तक नहीं तो लेके चले गए? आप चुनाव हार जाएंगे। अगर कहां आप तक नहीं लेके समझ के गए? जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। नहीं, हमें हम आपको चुनाव समझा हारने के जीतने का भेजेंगे, बताओ। क्योंकि हम आप चाहते हैं चाणक्य को अखिलेश भैया समझाओ। मुख्यमंत्री आप बने। नहीं नहीं, नहीं आप चाणक्य जी को हम चाहते समझाइए। हैं वो अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने, उनको इसलिए हम आपको समझाते समझाइए जाएंगे। उनको। काला नोट गिनने की आदत गई नहीं है, ना, काला थूक नोट लगा के गिनने जो की पर्चा आदत बांट गई रहे हैं नहीं उनको है, समझाइए। मैं उनको थूक लगा समझाइए, के थूक नोट लगा के गिनने की पर्चा आदत बांट रहे गई हैं। नहीं है, करोना जो फैला रहा है उनको बांटिए। अवैध कमाई गिनने की थूक लगा के गई नहीं है, अखिलेश आपकी भैया आदत मुझे बता यादव जी रही को है। म्यूट क्यों? ताकि मैं सुरेंद्र दुबे से, नहीं। हमें पता है समाजवादियों का मतलब है अरे मसी कागज सुनो सुनो छुयो मेरी बात नहीं, सुनो पहले। अगर मसी कागज छुयो नहीं, सुना है हो आपने? गया अब सुना है अखिलेश आपने, जी बता दीजिए। होगी, आप उसको अपने दिमाग में रखिए, छुए ना छुए। देखिए अच्छा, मैं प्रेम जी निवेदन करूंगा, मैं गोदी मीडिया के चैनल पे डिबेट करने नहीं जाता कभी, और ना इस तरह की बहस की डिबेट करता हूं। अरे कोई आपके यूट्यूब बुलाता ही चैनल नहीं पे है मुझे सर मालूम है कि आपको, अपनी बात रखने आप तो का बाइकआउट करके सबको बैठे थे, कोई थूक के चाट किसी रहे हैं तरीके। आप पिछले चुनाव में। उससे देखा जाए तो लगभग 100 सीटें कम पड़ रही हैं सर्वे एजेंसीज की। तो क्या लगता है सर्विस को लेकर के, हमारे जो विश्लेषक यहाँ कह रहे हैं और हम जो आंकड़े रख रहे हैं और जो राजनीतिक परिस्थितियां आप देख रहे हैं, क्या सर्विस पर विश्वास किया जाए अखिलेश जी? देखिए प्रेम कुमार जी, किसी चीज की घोषणा करना भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए, सर्वे केवल एक टूल है, टूल्स एंड टेक्निक, और भी मेथड होते हैं। मैं सर्वे की बात करता हूँ, सब लोगों ने मेहनत की है, मैं किसी के सर्वे पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा। सर्वे जब होते हैं तो उसमें दो चीजों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, टूल्स टेक्निक्स क्या थे, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है डेविएशन की। ये चारों चीजें किसी ने नहीं डिक्लेयर की होगी, अपनी मेथडोलॉजी उसमें कोई डिक्लेयर नहीं करता है, रीजन क्या है। देखिए हम तब तो दूसरे पोलिंग खुल तरीके पे आते जाएगी हैं, जी, तब तो पोल हाँ पट्टी खुल जाएगी अगर सब तो वो बात मेथडोलॉजी दूसरी है। नहीं, सामने रख किसी दें तो मैं प्रेम कुमार जी, मैं आपसे अनुग्रह करूंगा, बधाई भी जी। कि आपने ये नया चैनल बहुत अच्छा शुरू किया है। किसी एक दिन 2 घंटे की चर्चा आप केवल सर्वे पे करिए कि टूल्स एंड टेक्निक क्या होते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ, मेरे नॉलेज में जो सबसे बड़ा सैंपल साइज आया है पिछले साल, मतलब 2014 से सर्वे का, वो शायद 1 लाख सैंपल आया था। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 14-15 करोड़ वोटर है, 14-15 करोड़ वोटर में 1 लाख का सैंपल साइज अगर देखा जाए तो बहुत कम होता है, 0.000, उसके बाद जाता है, तो मतलब वो बहुत बहुत छोटा होता है। वो इसीलिए सर्वे कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार सही भी हो गए, कौन किससे टकरा गया, या तो लेकिन लार्ज अखिलेश स्केल जी, पे किया जाए। कहा तो ये जाता है कि आप चावल का एक दाना दबा लेते हैं और समझ जाते हैं कि चावल सीझा है कि नहीं सीझा है। फिर नहीं तो बात, 1 लाख नहीं का बात, सैंपल पूरे हाँ इसका काफी होना जवाब चाहिए। है प्रेम कुमार जी, केवल चावल हो तो बात तो सही है, लेकिन यहाँ पचमेर खिचड़ी है जिसमें बाजरा भी है, मक्का भी है, जो भारत की राजनीति है, इतनी जाति पाति, हर लोगों की अपनी जो डाइवर्सिटी है वोटर्स की, वो उसमें चावल भी है, बाजरा भी है, मक्का भी है। तो चावल देख लिया तो चावल तो पक गया, बाजरा मक्का जौ ये वाला पका है कि नहीं पका है ये देखना ज्यादा जरूरी होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप किसी एक कास्ट विशेष, अब जैसे सपा के जो कैडर बेस है, आप सपा नहीं बसपा के आप चले जाइए, तो उनके हिसाब से तो सपा की 100% सरकार बनेगी। आप 2 लाख सपा के बसपा के कैडर को आप देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, उस पे करेंगे। तो आप चावल बाजरा जौ मक्का सब देखिए। दूसरा प्रिडिक्शन का जो तरीका होता है ना, वो होता है एक्चुअल जो घटनाएं हो रही हैं उनकी एनालिसिस करना, रियल टाइम की एनालिसिस करना, और दो चार जो पक्ष हैं, पार्टियां हैं, उनके जो है बलाबल का जो है थाहा लेना, कौन कितना स्ट्रांग है। देखिए हम दूसरे से हम एनालिसिस करते हैं, है क्या, हर बार परिस्थितियां बदल जाती हैं, चुनौतियां बदल जाती हैं, इसलिए रणनीति और मुद्दे भी बदल जाते हैं। ये सारी पार्टियों पे लागू होती है, बीजेपी के लिए भी चुनौतियां बदल गई हैं, पहले कुछ और थी। सवाल ये होता है चुनौतियों को, चैलेंज को मैनेज करने की कैपेसिटी किसके पास है, दल बल किसके पास है, संसाधन किसके पास है, उनके फेवर में प्रोबेबिलिटी ज्यादा चली जाती है। मैं बोलता हूं आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके पास कलम नहीं है लिखने के लिए, तो परीक्षा में आप अखिलेश जीरो जी हैं। थोड़ा ये थोड़ा प्रॉब्लम दर्शकों
अखिलेश जी आप बड़ा क्लासिक ढंग से बातों को रख रहे हैं, हमारे दर्शक तो थोड़ा बोलचाल की भाषा में बताइए ना। हाँ, सर्वे बोलचाल की भाषा में ये है, मैं बोलता हूँ कि ठीक है भीड़ बसपा या इसके साथ दूसरों के साथ हमें दिख रही है, सवाल ये उठता है इनमें कितने लोगों के पास बूथ मैनेजर और पन्ना प्रमुख या एक एक गांव को मैनेज करने वाले लोग हैं। जितना सक्षम बीजेपी है, ये बीजेपी का प्लस पॉइंट है, इन्होंने अपने आप को बड़ा मजबूत किया, हर गांव में हर बूथ में इनके डेडिकेटेड कार्यकर्ता पड़े हैं, ये अपने एक एक वोटर को निकाल करके पहुंचा देंगे। दूसरी पार्टियों का ये मुगालता है कि भाई हमारा कैडर बेस है, हवा हमारे उस पर चल रही है, मीडिया में ये वो, तो बोलते हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है वो कौन कर रहा है, वोटरों को निकाल के अपने फेवर में करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा सक्षम वाली जो पार्टी है निर्विवाद रूप से वो बीजेपी है, उनके पास कार्यकर्ता भरे पड़े हैं, गली मोहल्ले में भरे पड़े हुए हैं, कन्विंसिंग करना वन टू वन डिजिटल। आपको रोकना चाहूंगा, अब पहले दौर के डिबेट में इससे पहले कि मैं सुरेंद्र दुबे जी के पास के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज जी इन सर्वेस को लेकर आपने आपत्ति भी जताई है चुनाव आयोग के पास में और कहा है कि ये सर्वेस बंद होने चाहिए, तो इस पर भी आप बताएं कि ये सर्वे केवल समाजवादी पार्टी के लिए तो है नहीं कि बंद होनी चाहिए, केवल उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, दूसरे राज्यों में भी हुई चुनाव वाली जो चुनाव आयोग ने 7 मार्च और 13 मार्च के बीच कराने का फैसला किया है, तब जब 3 और 7 मार्च की सरकार बनने से पहले बोल दिया, सपने देख रहे हैं, देखिए सपने नहीं, अभी के प्रतिनिधि ही उसमें हिस्सा लेंगे, जो कि निहायत ही क्वेश्चनेबल बात है कि जब सदन का अवसान होने वाला है, नया सदन बनने वाला है, तो उससे ठीक पहले उनका मत क्यों एक वैल्यू लिया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अखिलेश मिश्रा जी आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, आप छोटा हस्तक्षेप कर लीजिए, फिर मैं सुरेंद्र दुबे सर के पास जाता हूं। देखिए मनोज यादव जी ने मेरा नाम लेके एक चीज बोल दिया, वो मेरी दूसरी बात को नहीं सुने, समाजवादी पार्टी ना सपने बहुत देखती है, अभी श्री कृष्ण भगवान भी सपने में आए तो ये सपने बहुत देखते हैं। मैंने एक उदाहरण और दिया था, सैंपल साइज एक टेक्निकल टर्म है जो मैंने यूज किया। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, सपने देखने में क्या बुराई है, मैंने बोला था कि सैंपल साइज बहुत छोटा होता है इसलिए सर्वे के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। इसी तरीके से एक जो है सीट का इन्होंने एग्जाम्पल देके हार या जीत के बेसिस पे पूरे देश में समाजवादी पार्टी जीत रही है ये डिक्लेयर कर दिया, तो मेरे उस चीज को भी सुनिए, सैंपल साइज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो एरिथमेटिक और नहीं, हमने नहीं कहा कैलकुलेशन है, आपने नहीं कहा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपने बोला ना एक सीट में बीजेपी की हार हुई है, तो आपने बोला कहां गए पन्ना प्रमुख ये वगैरह, सैंपल साइज डज मैटर, अरे हमने ये नहीं कहा, आप जाके देख लीजिएगा। अच्छा फिर क्या, देखिए मनोज यादव जी ने जो कहा था कि वो उदाहरण उन्होंने हिमाचल का रखा था या दूसरे प्रदेशों का रखा था, एक ही सीट का रखा था ना, एक सीट का एग्जाम्पल लेके पूरे यूपी या पूरे देश की भविष्यवाणी सैंपल सीट अगर एक है तो कितने परसेंट हुआ, टेक्निकल चीज समझ नहीं रहे हैं, जो मन में आया बोल दिया, सपने देख रहे हैं, देखिए सपने, ये आपके साथ जी, ये आपका कहना है सपने देख रहे हैं, वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, आप अपनी बात, अरे मैं अखिलेश यादव ने बोला था सपने में कृष्ण भगवान आए हैं, बोले हैं जीत रहे हैं, हमारी तरफ से मुबारकबाद, मैं एक सीट को लेके पूरे देश का या प्रदेश का परसेप्शन कैसे बनाया जा सकता है सर, एक सीट के हर चीज से आप बोल देंगे कि उन्हीं की सरकार बन रही है या हार रही है या जीत रही है, सैंपल साइज डज मैटर, ये टेक्निकल चीज है, अगर कोई बात करना चाहे कर ले, नहीं तो बोल दे, समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले आप उसी सैंपल साइज के हवाले से कह रहे थे कि वो सैंपल साइज पर्याप्त नहीं होते, वो खिचड़ी जिसमें तरह तरह के तत्व होते हैं, वो सर मैंने अभी भी प्रेम जी आप भी नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने यही बोला, यादव जी ने ये बोला कि एक एक सीट को लेके परसेप्शन ये बना रहे हैं, एक सीट का सैंपल साइज बहुत कम होता है, परसेप्शन पूरे नेशनल लेवल पे नहीं बनाना चाहिए। हाँ रुक जाइए अखिलेश जी, आपकी बात आ गई, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, हो सकता है मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन दर्शक समझदार हैं, वो समझ रहे होंगे आपकी भी बात को, मेरी भी बात को, और मनोज यादव जी आप कर लीजिए थोड़ी सी टिप्पणी बीच में, नहीं तो अधूरा रह जाएगा, सुरेंद्र सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, नींद नहीं आएगी मनोज यादव को जब तक टिप्पणी नहीं करेंगे, हमें पता है। मैं अपनी बात कर लूं, देखिए नहीं, देखिए आप मुझे बोलने दीजिए, बोलिए ना, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर किसी पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं, मैंने जीतने की बात नहीं कही, मैंने
किसी बात की बात नहीं कही है। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, अरे मैं आपसे तेज बोल लेता हूं अखिलेश मिश्रा जी, आप प्लीज, आपको बेहतर पता है, आपका नाम अखिलेश मिश्रा तो मेरा नाम मनोज यादव, वो मुझे मत बताइए, मैं हकलाता नहीं हूं और ना प्राइम टाइम पर पढ़ के बोलता हूं, मैं मनोज यादव हूं, ठीक है। हमारे सामने मशीन नहीं लगी कि मुझसे पढ़ पढ़ के बोले और जब बंद हो जाए तो हम बोल ही ना पाए, हम कहें क्या हो गया, कान की आवाज चली गई क्या, हम वो वाले नहीं है, माफी चाहूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा इंटरव्यू मत करिए, ये गोदी मीडिया की बात है, मैं अपनी बात, हम आपकी बात नहीं कर रहे, अखिलेश मिश्रा के बारे में आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपके बारे में ये बोलना चाहते हैं, आपको ये क्या है, मिलेगा सर, तो क्या अगर आपको क्या है, क्या साइज की टेक्निकल डिफिनेशन नहीं पता है तो पढ़ जिसको जिसको डिबेट में, नहीं 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 हमें पता है समाजवादियों का मतलब है मसीह, अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो पहले, अगर मसीह कागज छुयो नहीं, सुना है आपने, हो गया, अब सुना है आपने, बता दीजिए, आप उसको अपने दिमाग में रखिए, छुए ना छुए। देखिए मैं प्रेम जी निवेदन करूंगा, मैं गोदी मीडिया के चैनल पर डिबेट करने नहीं जाता कभी, और ना इस तरह की बहस की डिबेट करता हूँ, आपके यूट्यूब चैनल पे मुझे मालूम है कि अपनी बात रखने आप का तो बाइकॉट करके बैठे थे, थूक के चाट रहे हैं आप, मीडिया का बाइकॉट करके बैठे थे, थूक के चाट रहे हैं, बुला लिया आपने, कौन है भाई, मनोज जी आप अपनी बात तो रखिए, बोलने दिया जाए नहीं तो बात हो नहीं पाएगी। देखिए मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं जिस पार्टी के पास सारे कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रभारी हैं, तो वो एक इतने बड़े अंतर से हारती क्यों है ये? मैंने कोई नैरेटिव नहीं चेंज किया कि समाजवादी पार्टी एक पूरे देश में जीतने जा रही है, इस बात से कोई मेरा लेना देना नहीं, दूसरी नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ, अगर ये सर्वे के लोग समाजवादी पार्टी को 47 सीट से 145 तक ले जा रहे हैं, 50 तक, 165 तक ले जा रहे हैं, तो क्यों ले जा रहे हो, एक कारण, और अगर बीजेपी की 325 सीटों को गिरा के 233-245 तक आप जो एक एवरेज ला रहे हो तो वहां तक ला क्यों रहे हो, दूसरी बात, इस पे तो चर्चा करनी चाहिए ना, वो कौन से रीजंस हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारण है कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, तो गिर के बहुमत के पास क्यों आके रुक रहा है, समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है तो वो बढ़ के बहुमत से पहले क्यों रुक जा रहा है, इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए, इनको अपना पैकेट भी बताना चाहिए, इनके अपने साइज में डिस्कशन होने चाहिए, बिल्कुल मनोज जी, ये सर्वे वाले आपको चल, अरे हम आपसे नहीं पूछ रहे, आप बीजेपी के प्रवक्ता है क्या, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, यू आर स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी, आप प्रवक्ता है क्या, अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता है क्या, जिसको सैंपल साइज का मतलब नहीं पता, आपको क्यों प्रॉब्लम है इससे, आपको क्यों प्रॉब्लम है, शायद आपको डिबेट में समझ आ जाए, कुछ सीखते आप जाए कि सैंपल साइज, नहीं नहीं नहीं, हमें आपसे नहीं समझना है, ये देश को समझाते समझाते कहाँ तक लेके चले गए, आप चुनाव हार जाएंगे, कहाँ तक लेके गए, तो चुनाव हार जाएंगे, नहीं नहीं हमें चुनाव हारने जीतने ना बताओ, आप चाणक्य को समझाओ, आप नहीं नहीं आप चाणक्य जी को समझाइए, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने इसलिए उनको समझाइए, उनको नोट गिनने की आदत गई नहीं है, ना 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 फूट लगा के जो पर्चा बांट रहे उनको समझाइए, उनको समझाइए, धूप लगा के पर्चा बांट रहे हैं, कोरोना जो कोरोना जो कोरोना फैला रहा है उनको बांटिए, अवैध कमाई गिनने की धूप लगा के कही नहीं है, आज ताकि मैं नहीं 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 उनके उनकी अम्मा भेजी थी क्या पैसा, नरेंद्र मोदी की अम्मा पैसा देके भेजी थी क्या, उनके उनकी अम्मा भेजी थी क्या पैसा, नरेंद्र मोदी की अम्मा पैसा देके भेजी थी क्या, बात में बता रहा हूँ, मोदी के घर में रिजर्व बैंक के पैसे लगा रहा है, मशीन लगी है क्या, अरे आप अनावश्यक बातें मत क्या करिए, बदतमीज बैंक है, थूक लगा के नोट गिनने वाले बदतमीज कहेंगे, औकात में रहो, बता देता हूँ, जो स्थिति है उसमें वहां भी बीजेपी लॉस में चल रही है और पश्चिम में तो इतना बड़ा लॉस होगा कि उसकी उसकी भरपाई संभव नहीं है, ये इनका मानना है, आप क्या मान रहे हैं अखिलेश? देखिए प्रेम जी, मैंने आपको पहले ही बोला था, हर चुनाव में चुनौतियां अलग होती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्वयं भाजपा का ही परफॉर्मेंस है कि पास्ट की परफॉर्मेंस को मेंटेन करना, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, समीकरण बदल गए हैं। मैंने शुरू में आपको ये बोला था कि जो सर्वे पोल वगैरह आ रहे हैं, सर्वे करने के कई मेथड होते हैं, ये जो आ रहे हैं ये वोटर्स ओपिनियन मेथड है, कभी टाइम मिले तो रियल टाइम कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी जो एक मेथड होता है उससे एनालिसिस करिए, सर्वे करने के कई मेथड होते हैं, ये जो आ रहे हैं ये वोटर्स ओपिनियन मेथड है, कभी टाइम मिले तो रियल टाइम कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी जो एक मेथड होता है उससे एनालिसिस करिए, तो ज्यादा कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल करके सामने आएगा, जो मैं समझाना चाहता हूं। लेकिन परिस्थितियां बीजेपी के
नहीं अभी आप उसको रहने दीजिए, वो काफी लंबा मुद्दा हो जाएगा, आप क्लासिकल मूड में हमें जाना पड़ेगा। चुनौतियां बीजेपी के लिए जितना, देखिए विपक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, चाहे सपा हो बसपा हो कोई भी हो। ऋषि मिश्रा जी जो बोल रहे थे बाईपोलर, सपा बसपा चाहेंगे कि बाईपोलर हो, भाई बसपा चाहेगी बसपा वर्सेस बीजेपी हो, सपा चाहेगी सपा वर्सेस बीजेपी हो, जो कि सपा कर रही है इस वक्त। बीजेपी हमेशा ये चाहेगी कि मल्टीपोलर, ये कौन बोल रहा है बीच में, बस एक शब्द उन्होंने कहा, जनता जो चाहती है वही होता है, किसी के चाहने वो तो अल्टीमेट है, ठीक है। बीजेपी ये चाहेगी कि ये मल्टीपोलर हो, क्योंकि जितना मल्टीपोलर होगा उसमें बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलेगा। वोट बैंक वगैरह की जो चीजें हैं सबके अपने अपने यूएसपीज हैं, लेकिन हाँ नुकसान के जो इसमें चांसेस है, बीजेपी को यही चुनौती है कि अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को मेंटेन कैसे रखे। अखिलेश मिश्रा जी, वो जमाना गया जबकि मल्टी कॉर्नर में बीजेपी को फायदा होता था, अभी तो चंद्रशेखर रावण को भेज दिया गया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में कि ताकि योगी चुनाव जीत जाए। नहीं नहीं आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं ना कि दो पार्टियों से ज्यादा भी प्लेयर हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, ये मानते हैं कि नहीं, चाहे वो माइक्रो लेवल पे ही क्यों ना करें। तो बस वही मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आपने मान लिया। मैं बस कह रहा हूँ वो कांग्रेस कह रहे थे थोड़ी देर पहले, वो दौर कांग्रेस का था, वो कांग्रेस का था जब कांग्रेस को हटाना है तो सारे एक हो जाओ। यहाँ पर भाजपा के सामने जितने ज्यादा कोण होंगे भाजपा को उतना नुकसान होगा। कई राज्यों की ऐसी मिसाल है यादव जी, इस चुनाव में कोई नया नहीं होने वाला है जो पहले चुनाव में नहीं हुआ है। कभी न कभी इस तरह की परिस्थिति पिछले चुनाव में भी बनी हुई है 70 साल के इतिहास में। बड़ा लिमिटेड हम लोगों का जो चुनाव का सर्किल है ना, उसकी जो त्रिज्या है ना वो बहुत छोटी होती है, घूम फिर करके पेरिफेरी पे, तो हम वही तुरंत पहुंच जाते हैं।